माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया जो केंद्र सरकार पे राफेल से संबंधित आरोप लगाते थे वह उनका झूठ खारिज हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री है और उस झूठ की फैक्ट्री के सीईओ या उसके सरदार वह राहुल गांधी जी कि इसमें पूरे डील में कोई अनियमितता नहीं है। यह देश के लिए आवश्यक उपकरण थी, किसी को फेवर नहीं किया गया और आपके राजनीतिक लाभ के लिए हम इसकी जांच के आदेश नहीं दे सकते क्योंकि सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ यह रक्षा डील किया है। मैं कांग्रेस पार्टी और उनके जो समर्थक हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 2007 से 2014 तक आपने जब इसका नेगोशिएशन कर रहे थे तो आपने इसको क्यों नहीं खरीदा? आप कमीशन एजेंट जो थे, बिचौलिए थे, उनका इंतजार कर रहे थे, उनसे आपकी डील सेट नहीं हो पाई थी। जब भारत सरकार ने यह एक सरकार भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में डील किया और कांग्रेस के जितने भी डील होते थे डिफेंस के डील, हर डील में बिचौलिया होता था और देश की जनता के सामने सब उजागर भी हुआ, चाहे बोफोर्स का मामला रहा हो चाहे अन्य मामलों में, भी कहा कि इसमें किसी को फेवर नहीं किया गया। लगातार यह कहना कि एक व्यक्ति के हाथ जेब में 35,000 करोड़ रुपए दे दिए गए अंबानी के जेब में, इस प्रकार के झूठ बोलना और माननीय प्रधानमंत्री जी पे जो बात है चौराहे पे भी कोई नहीं बोल सकता। जिस प्रकार के राहुल गांधी बात करते हैं, जिस प्रकार से नारे लगवाते हैं, वास्तव में राहुल गांधी इस निर्णय आने के बाद भी एक बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं और कांग्रेस का कभी भी चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सीएजी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, उस पर कभी भी विश्वास नहीं रहा। यही कांग्रेस पार्टी जब इनके खिलाफ जब इनके पक्ष में निर्णय नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस देना, उसके खिलाफ मानहानि का एक केस और ले आना, यही कांग्रेस पार्टी है। जब चुनाव हारती है तो चुनाव आयोग पे ईवीएम कहती है कि ईवीएम खराब है, यही कांग्रेस पार्टी है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसको खून का दलाली है, राहुल गांधी इन शब्दों का उपयोग करते हैं। राफेल पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मिसलीड किया है। मैं बताया कि राहुल गांधी की एक काल्पनिक स्टोरी थी, राहुल गांधी को सूचनाएं क्या है, आपको सूचना कहां से आती है? उन सूचनाओं को देश के जनता के सामने उजागर करना चाहिए कि यह हमारे सूचना का तंत्र है, सोर्स है और यह हमारी इन्फॉर्मेशन है। केवल हवा में बोलने से कि 500 करोड़ का 1600 करोड़ रुपए हो तो कोई 16000 करोड़ भी बोल दे, 100 करोड़ भी बोल दे, ऐसे थोड़ी होता है। इतना एक महत्वपूर्ण जब विषय होता है रक्षा सौदा, उस रक्षा सौदा के बारे में इस प्रकार के संदेह पैदा करना, और सबको मालूम है कि रक्षा सौदा का एक एक डिटेल सुप्रीम कोर्ट को तो दिया गया है, लेकिन एक एक डिटेल किस प्रकार का उपकरण है, कौन से मशीन लगे हैं, कौन से गन है, वो टेक्निकल जानकारी और टेक्निकल जानकारी के साथ पैसा यह देश के सामने जनता के सामने पूरा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।